हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइजर टैबलेट के बारे में, जो कि इस टैबलेट को कैसे समस्याओं में प्रयोग की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे इसके बारे में। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और कैसा साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये टाइजर टैबलेट जो कि अबॉट कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 225 रुपए है, जो कि एक स्टेम में 10 टैबलेट अवेलेबल है। दोस्तों ये आपको किसी भी केमिस्ट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो यामिक ने टर्बिना फाइन 250 mg। दोस्तों इस दवा को कैसे समस्याओं में प्रयोग की जाती है, चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं इस टैबलेट को। नंबर 1, फंगल इन्फेक्शन हो तो उसमें यूज कर सकते हैं। नंबर 2, बॉडी में कहीं भी दाद हो। नंबर 3, खुजली हो, दिनाई हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं इस टैबलेट को। नंबर 4, नाखून में फंगल इन्फेक्शन हो, जैसे कि नाखून सड़ने लगते हैं तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट दिया गया है। नंबर 5, स्किन एलर्जी हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर 6, जैसे कि छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं उसमें खुजली होती है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टैबलेट को इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, चाहे आपको दाद हो, खाज हो, खुजली हो, दिनाई हो, कुछ ही दिनों में सही कर देगा ये टैबलेट। चलिए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यूज कैसे करें इस टैबलेट को। एडल्ट बड़े को दिन में एक टैबलेट एक बार लेना है, मतलब 24 घंटे में एक टैबलेट लेना है, और इस टैबलेट को कंटिन्यू 7 दिनों तक लेना है, या ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों तक ले सकते हैं। 14 दिनों के अंदर ही आपके खुजली वगैरह, दिनाई वगैरह सही हो जाएगा। और दोस्तों कंडीशन को देखकर डॉक्टर डोज बढ़ाते भी है और घटाते भी है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करना चाहते हैं उनका साइड इफेक्ट हमें मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ उनकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। अगर ये टैबलेट आप यूज करें तो ये बातें ध्यान रखें। नंबर 1, किडनी लीवर पेशेंट यूज ना करें। नंबर 2, प्रेग्नेंट लेडी भी यूज ना करें इस टैबलेट को। नंबर 3, यूज करने से पहले डॉक्टर कंसल्ट जरूर कर लें इस टैबलेट के बारे में। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इस टैबलेट को कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। अगर बार दफा यूज करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे, जैसे कि हेडेक, इचिंग, नोजिया, रैश, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इस टैबलेट का यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो टाइजर टैबलेट के बारे में। और इस टैबलेट में और भी कई कंपनी टैबलेट अवेलेबल है, जैसे कि टर्बिना फोर्स टैबलेट, टर्बी सिप टैबलेट, जैन फाइन टैबलेट, टेरिकॉन टैबलेट, टर्बेस टैबलेट, जो कि टैबलेट एक ही होती है, बस कंपनी फर्क होती है, बाकी वर्क और इंग्रेडिएंट दोनों सेम होती है। तो आप इनमें से कोई सा भी परचेज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।